जोर से जारी की गई है। देशों के विरोध में कुछ लाखों आरतियों के सामने सरकार का फैसला तक सुबह वक्त सूचना पंजाब राजस्थान और चंडीगढ़ की आरतियों की गई बैठक में बुलाया गया था। खिलाफ है, ये हमें मंडियों से बाहर करने की कुप्रथा है। कोरोना के वक्त जब सब कुछ बंद था, इन्होंने अध्यादेश जारी करके ये आढ़तियों के लिए काला कानून पारित किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए हमने 16 अगस्त को सिरसा जिले में 4 राज्यों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे सभी राज्यों के पदाधिकारी पहुंचे थे। उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ हम चारों स्टेट 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे, और उसके बाद अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम इसका संगठित होकर पुरजोर तरीके से सभी किसान भाइयों को साथ लेके, सभी किसान यूनियन को साथ लेके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 2 अक्टूबर का दिन होगा, और उसके बाद हमारे प्रधान जी हमारे साथ हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आदेश होंगे उसके बाद सब हम संगठित होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बताएं। मैं अनिल कुमार और पल्लू प्रधान भारतीय किसान यूनियन पावतार हरियाणा प्रदेश। ये जो सरकार 3 अध्यादेश लिया, ये सब व्यापारी कार सुविधा का भाईचारा खराब करने जा रही है। हमने गड़े के अपल दे दिए हैं, छक लिया गड़े के अपल दे दिए गए। ये 2 अक्टूबर ने पूर्व लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर व्यापारी किसान मजदूर पूर्व कर्मचारी पीटीआई सभी मिल गए दिल्ली को लाके रख देंगे। मैं तो बता दूंगा खड़े जा रहे हैं, यह सरकार इन अध्यादेश को वापस दे देंगे। धन्यवाद।